अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद करण सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा और अलवर से टिकट ना मिलने से नाराज हैं करण सिंह यादव। तो अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद करण सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं, अलवर से टिकट ना मिलने से नाराज हैं करण सिंह यादव। तो खबर आप जान लीजिए, ये खबर आ रही है कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और पूर्व सांसद करण सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा, क्योंकि अलवर से टिकट ना मिलने से बताया जा रहा है कि नाराज हैं करण सिंह यादव। अलवर जिला प्रमुख बलबीर सिंह समेत कई नेता बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। तो खबर आप जान लीजिए, कई नेता जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और पूर्व सांसद करण सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मुबारक खान हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारक, किस तरह की खबरें आ रही हैं कांग्रेस खेमे से अब, क्योंकि आज ही तारीखों का ऐलान होने वाला है चुनाव के लिए और खबर ये कि करण सिंह यादव जो है वो हो सकते हैं बीजेपी में शामिल, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों भी हमने देखा करीब एक दर्जन से ज्यादा जो नेता थे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और आज भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी अलवर के इलाके से, क्योंकि अलवर से करण सिंह यादव को जो है टिकट नहीं दिया गया, ऐसे में उनकी नाराजगी यहाँ सामने आई है और उसी नाराजगी के चलते करण सिंह यादव ने जो है आज बीजेपी का दामन थामने का जो है वो सोचा है और कुछ ही देर में बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अभी विधिवत रूप से जो है बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता वो ले लेंगे और अलवर के लिए और उस मत्स्य पूरे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं उस इलाके की जो राजनीति है, क्योंकि उस इलाके में अलवर का जो क्षेत्र है खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम बात करें तो उस इलाके में यादव जो वोट बैंक है वो भारी संख्या में उस इलाके में रहता है और करीब बताया जाता है कि 80,000 के आसपास जो यादव वोट है तो उन पर खासा असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है करण सिंह यादव के जाने से। और कांग्रेस ने वहां से ललित यादव को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार वहां से जो सांसद थे बाबा बालकनाथ थे, हालांकि वो अब विधायक है, तो ऐसे में पूरी रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ऐसी तस्वीरें आने वाले दिनों में हो सकता है आज या कल में कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी शामिल हों जो पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हों और वो अब जो है बीजेपी का दामन थामेंगे, ऐसी भी चर्चाएं। जयपुर शहर से एक पूर्व मंत्री के नाम की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बहुत जल्द जो है बीजेपी में शामिल होंगे। तो ऐसे में अब तक जो जयपुर शहर की जो लोकसभा सीट है उसका बीजेपी और कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो अब तक नहीं किया है। अगर वो नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या पार्टी उन्हें सशर्त यहाँ पर ज्वाइन करवाएगी और टिकट देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। जिस तरीके से अगर हम देखें महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा से आते हैं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री रहे और मंत्री रहने के बाद जो है किन्हीं कारणों के चलते पार्टी के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की और उसके बाद जो है पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और बीजेपी में शामिल हो गए और उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं बीजेपी की पहली जो सूची थी उसमें महेंद्र सिंह मालविया को बांसवाड़ा सीट से जो है चुनावी मैदान में उतारा गया। तो क्या जयपुर शहर के एक पूर्व मंत्री का नाम जो चल रहा है जो कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, हालांकि अब तक जो है सूत्रों के अनुसार ये खबरें मिल रही है, तो अगर क्या वो शामिल होते हैं तो जयपुर सीट से क्या उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम बात करेंगे करण सिंह यादव की, जो कि पूर्व में दो बार सांसद रहे हैं और यादव समाज से वो आते हैं, यादव उस इलाके में अच्छी संख्या में जो है वोट है, तो ऐसे में बीजेपी ने मूल ओबीसी जो है उस पर कहीं ना कहीं सेन लगाने का काम किया है। इससे पहले रिचपाल मिर्दा, लालचंद कटारिया सहित कई ऐसे नाम थे। इसी के साथ अगर हम बात करें खिलाड़ी लाल बैरवा एससी समुदाय से आते हैं, पहले किसी हम कह सकते हैं कि बोर्ड और निगमों के जो चेयरमैन रहे हैं उन लोगों को बीजेपी ने शामिल कराया, पूर्व मंत्रियों को बीजेपी ने शामिल कराया और एक बार फिर से जो है ऐसी स्थितियां अब राजस्थान में नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस में भी आज जो है कुछ ही देर बाद एक हम कह सकते हैं बीजेपी से तो नहीं लेकिन आरएलपी जो कि यहाँ का क्षेत्रीय दल है
उसके जो उम्मीदवार रहे बायतू से चुनाव लड़े थे, हरीश चौधरी के सामने चुनाव लड़े थे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव आ रहे, उदाराम बेनीवाल वो आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट है कांग्रेस के नजरिए से, जो कि कुछ देर बाद जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी देंगे। तो ये तमाम चीजें राजस्थान के फिलहाल राजनीतिक उठापटक जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और तमाम जो राजनीतिक समीकरण है उनको दोनों ही पार्टियां जो है वो साधने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल मुबारक, क्योंकि आज ही तारीखों का ऐलान होने वाला है चुनाव के लिए, और इसी बीच कांग्रेस खेमे के लिए एक झटके के तौर पर इसे मान सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे।